झारखंड राज्य मनरेगा कर्मचारी संघ धनबाद के द्वारा अपनी पूर्व मांगों को लेकर रणधीर वर्मा चौक पर 3 दिवसीय सांकेतिक हड़ताल को लेकर 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया। सरकार की उदासीनता के खिलाफ की गई इस धरना में झारखंड राज्य मनरेगा के जिला अध्यक्ष श्री मुकेश राम ने कहा कि झारखंड राज्य में भाजपा सरकार बनने के बाद राज्य भर में मनरेगा कर्मियों में एक उम्मीद की किरण जागी है, लेकिन सरकार के स्तर से अभी तक मनरेगा कर्मियों की ना तो सेवा ही स्थायी हुई है और ना ही वर्तमान में महंगाई को देखते हुए इनके मानदेय में वृद्धि की गई है। इस विषय पर मुकेश राम ने कहा, धनबाद रणधीर वर्मा चौक पर झारखंड सरकार की उदासीनता के खिलाफ में और सरकार की अड़ियल नीति के खिलाफ में जो है पूरे राज्य भर के मनरेगा कर्मचारी संघ जो है 3 दिवसीय सांकेतिक हड़ताल करने को विवश हुए। चूँकि इन 11 वर्षों के दरमियान में झारखंड राज्य में जब से मनरेगा कर्मियों की बहाली ली गई है, तब से मनरेगा कर्मियों की समस्याओं से पूरे राज्य में बैठे हुए जिनकी भी सरकार बनी उनके समक्ष हम लोगों ने अपनी मुद्दों को रखने का काम किया, लेकिन किन्हीं सरकार के द्वारा भी अभी तक मनरेगा कर्मियों की बातों पर ध्यान न देकर बल्कि मनरेगा कर्मियों के साथ जो है छलावा का कार्य किया गया। हमें कोल्हू के बैल की तरह खटाते तो रहे, लेकिन जब परिश्रम का परिश्रमिक देने की बात आई तो बहुत ही अल्प मानदेय दे करके मनरेगा कर्मियों को जो है काम कराने के लिए विवश किया गया था। साथ ही मनरेगा में जितने भी कार्यरत हमारे मनरेगा कर्मी हैं, जिनमें प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी, लेखा सहायक, कंप्यूटर ऑपरेटर, ग्राम रोजगार सेवक, इन लोग इतनी कड़ी मेहनत के बावजूद सरकार की हर एक योजनाओं को जमीनी धरातल पर उतारने का कार्य करती है, लेकिन उस हिसाब से सरकार जो है इन्हें उचित मानदेय ना दे करके बल्कि इनके साथ शोषण करते आ रही है। और इस चीज़ को ही हम लोग हर बार खिलाफत किए हैं सरकार के विरुद्ध कि आप मनरेगा कर्मियों की भी एक उचित मानदेय परिश्रमिक दें और उन्हें परमानेंट करने का कार्य करें, ताकि वो जो है अपने कार्यों को पूरी निष्ठा के साथ कार्य करा सके। दूसरी ओर सरकार ने भी हाईकोर्ट का भी एक जो है निर्देश आया था कि समान कार्यों का समान वेतन दिया जाए, उस पर भी सरकार अभी तक कोई अमली जामा नहीं पहना पा रही है, जिससे हम लोग सारे मनरेगा कर्मी आक्रोशित और आंदोलन हम लोग में बैठे हुए आला अधिकारी हों या सरकार के मंत्री हों, सारे हमारी समस्याओं को सुने और अविलंब हम परमानेंट करने का कार्य करें, यही हमारी मुख्य।